यदि साहित्य राजनीति को देखकर के कविताएं लिखना लगेगा तो फिर वो साहित्यकार नहीं है, फिर वो चमचागिरी का साहित्य हो जाएगा। बहुत पहले कभी हमारे कवि ने कहा था, या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। यदि सच्चाई के साथ यदि हम नहीं हैं फिर हम कवि नहीं हो सकते। कवि है तो सच बोलेगा, फिर सामने कोई भी सपना है। सर वो मैदान भी नहीं रहे जहाँ जंग हुआ करती थी, अब मैदान खेल के मैदान में तब्दील हो गया। एग्जैक्ट, अब शब्द वीरों से ही एक अपेक्षा है कि अब जो देश में हवाएं चल रही है उसमें जीत वही जीता सकते हैं। नेचुरली अब हमारे सामने अकबर नहीं है, हमारे सामने जहांगीर नहीं है, शहंशाह अंग्रेज नहीं है, अब हमारे सामने नई चुनौतियाँ हैं। इसलिए आज का वीररस बदला है, आज का वीररस भाला लेकर नहीं चल रहा है। आज जहाँ जहाँ उसे भ्रष्टाचार दिख रहा है, राजनीति दिख रही है, या खेलों में भी राजनीति पहुँच गई है, हमें उस पर उंगली उठानी है, चाहे पत्रकार हों पर्दे के उस तरफ या हम इस तरफ बैठे हुए हों। हम लोगों को नई तरीके से देशभक्ति की रचना करनी पड़ेगी। अब हमें देशभक्ति वीररस नहीं बल्कि जागरण रस से शुरू करनी पड़ेगी। हम देश को जगाते रहे यही शायद देशभक्ति। यहाँ प्यार, मैं पिछले 30 साल से यहाँ आता रहा हूँ और 30 साल से उदयपुर मुझे सुन रहा है। मैं यहाँ अपना जो ऑडिटोरियम है ओपन रंगमंच में वहाँ भी आता रहा हूँ और यहाँ रंगमंच पे मैं कई बार आया हूँ और आज भी चूड़ावश्यकतावत की मांग, हल्दी घाटी की मांग मेरे श्रोता कर रहे थे, सामने पारस जी कर रहे थे। ये बहुत मोहब्बत की बात है कि कविता को उदयपुर सुनता है। देश भर में हम जाते हैं और दूर दूर तक जाते हैं लेकिन उदयपुर का जवाब ही कुछ और है। मेवाड़ में कोई वीररस का कवि कम से कम आए वो तो तीर्थ यात्रा से लौट रहा है समझिए। मैं तो यहाँ की मिट्टी को प्रणाम करने आता हूँ, कविता तो बोनस में।